जन्माष्टमी का त्यौहार 2024 में 26 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। इसके साथ ही अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन भगवान कृष्ण के प्रिय मोर पंख से जुड़े कुछ उपाय करते हैं तो आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है। साथ ही घर के कई दोष भी इन उपायों को करने से दूर हो जाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इन उपायों के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में हमेशा मोर पंख सुशोभित होता है। मोर पंख को शुभता, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। मान्यता है कि मोर पंख के प्रयोग से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, साथ ही कई ग्रह दोषों से भी आपको मुक्ति मिलती है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन मोर पंख से जुड़े कुछ उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। नंबर एक, मोर पंख को पूजा घर में रखने के लाभ। जन्माष्टमी की रात को भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करने के बाद आपको कृष्ण मूर्ति या चित्र के सामने मोर पंख रखना चाहिए। इससे कृष्ण जी की कृपा के साथ ही आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। नंबर दो, तिजोरी में रखें मोर पंख। अगर आप जन्माष्टमी के दिन मोर पंख को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या जहां भी आप धन रखते हैं वहां रख देते हैं तो ऐसा करने से कई लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर तीन, मोर पंख से करें श्री कृष्ण का श्रृंगार। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का मोर पंख से आपको श्रृंगार करना चाहिए। इस उपाय से घर में शुभता आती है और घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। नंबर चार, घर का वास्तु दोष इस उपाय से होगा दूर। अगर आप जन्माष्टमी के दिन घर की पूर्व दिशा में मोरपंख रखते हैं तो इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है। वास्तु दोष दूर होने से आपको मानसिक और शारीरिक सुख तो मिलता ही है, साथ ही धन लाभ के भी योग बनते हैं। नंबर पांच, कार्य क्षेत्र में रखें मोरपंख। अगर आपको करियर या कारोबार में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आपकी आमदनी अच्छी नहीं हो पा रही है, तो आपको मोरपंख अपने कार्यक्षेत्र में रखना चाहिए। इसे रखने से करियर में आपको लाभ होते हैं, नए अवसर आपको प्राप्त होने लगते हैं। इन उपायों को करते समय कुछ बातों का रखें ध्यान अवश्य रखें। नंबर एक, पंख को हमेशा शुद्ध एवं पवित्र स्थान पर ही रखें। नंबर दो, जन्माष्टमी के दिन मोरपंख को गंगा जल से पवित्र करके ही इससे जुड़ा प्रयोग करें। नंबर तीन, मोरपंख को गलती से भी अपवित्र स्थान पर न रखें, इसके कारण जीवन में नकारात्मकता आ सकती है। तो भक्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही तमाम नवीनतम जानकारी और दैवीय उपायों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े। जय श्री कृष्ण।